कुछ दिन पहले चंडीगढ़ में एक्सिस बैंक से 4 करोड़ रुपए की चोरी होने का मामला सामने आया था, जिसमें अब पुलिस ने इस बड़ी चोरी की वारदात करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी मनोज कुमार मीणा ने बताया कि बैंक से चोरी करने वाले सुनील कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह सोशल मीडिया पर एक्टिव था और इसी की मदद से पुलिस की टीम ने इसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। एसपी ने बताया कि सुनील के मनी माजरा के जंगलों के पास होने की आशंका पुलिस को थी और जब पुलिस ने इसे पकड़ा तो इसके पास से 3 लाख रुपए से अधिक की राशि बरामद हुई। हालांकि इसने 4 करोड़ 4 लाख रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। एसपी ने बताया कि पुलिस ने कैश रिकवर कर लिया है। चोरी की गई रकम में से जो राशि उसने खर्च की है उसकी जांच की जाएगी। जांच में अभी तक यह सामने आया है कि रात को चोरी करने के बाद वह बाइक पर ही बैग को चादर में बांधकर लेकर निकला था। आरोपी सुनील की उम्र 32 वर्ष है और यह पहले टेलीकॉम कंपनी में काम किया करता था, जबकि 4 वर्ष से वो इसी बैंक में गार्ड लगा हुआ था, इसीलिए इसको बैंक की पूरी जानकारी थी। इसके चलते उसने इतनी बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। अकॉर्डिंगली हमारी काफी टीमें लगी हुई थी, एक टीम वहां पे थी क्योंकि हमें हिंट थी तो उसको वहां स्टेशन कर दिया गया था, तो वहां से इसको पकड़ा गया। ये जब पकड़ा गया तो इसके बैग में 3.14 लाख 3,14,000 थे। फिर बाद में पूछताछ करके इसने जहाँ छुपा रखे थे वहां से बाकी रिकवर किए गए। टोटल इसने चोरी किया था 4 करोड़ 4 लाख। सर, ये जो एक्यूज है सुनील कुमार, कोई और भी इन्वॉल्वमेंट सामने आ रही है कि इसने अकेले ने वारदात की और ये कब से प्लानिंग कर रहा था? क्योंकि एक सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि जब बैंक है, जैसे आपने बताया कि काफी यहाँ से 13 करोड़ डेली इतना कुछ अमाउंट जो है वो डेली यहाँ से आगे जाता है जो इसी ग्राम से, तो वहाँ पर प्रशासन के लिए एक बड़ी हैरानी वाली बात है कि बैंक प्रशासन की ये करंसी चेस्ट होता है जो बाकी बैंक ब्रांचेज है उनको कैश सप्लाई करता है। करंसी चेस्ट पे पुलिस का गार्ड भी होगा। एक्सिस बैंक की ये जो सेक्टर 34 की करंसी चेस्ट थी, इसमें 3rd IRBN पंजाब पुलिस का गार्ड थे एंड कायदे से वो वहाँ पे रात को भी गार्ड होने चाहिए थे। कुछ लापरवाही थी जो हम पंजाब पुलिस के साथ पिकअप करेंगे। एंड दूसरी बात है कि कुछ लापरवाही एक्सिस बैंक की भी थी, क्योंकि जो RBI के नियम होते हैं करंसी चेस्ट के, उनको भी थोड़ा फॉलो किया गया था। वी आर लुकिंग इनटू एवरीथिंग एंड इसमें जैसे भी इन्वेस्टिगेशन आता जाएगा कंसर्न्ड एजेंसीज को हम बता देंगे कि ये किसी के इन्वॉल्वमेंट अभी तक सामने ही इसके अलावा अभी तक इसको आज अरेस्ट किया है हमने। इससे पूछताछ की जाएगी एंड पुलिस कस्टडी में भी पूछताछ की जाएगी। प्लस इसने कुछ नया मोबाइल खरीदा था, अब कई होटलों में रहा था ये, तो वो सब किया जाएगा। तब हम ज़्यादा क्लियर बता पाएंगे कि किसी के इसने एक्चुअली अपने कुछ, ये घर तो गया नहीं था तो होटलों में अपनी इसकी मोटरसाइकिल कुछ खराब हो गई थी, उसके रिपेयर में इसने कुछ नया मोबाइल फोन भी खरीदा है बता रहा है ये ऐसा, तो वो सब में इसने कुछ पैसे खर्चे हैं, कुछ 70-80 हज़ार के आसपास इसने क्या इसकी खुदी मोटर। अभी तक पूछताछ से ये पता लगा है कि ये होटल्स और इधर रहा था, बट एक एक रात को ये कहाँ रुका है, किस किस के पास रुका है, होटल्स में रुका है नहीं रुका है, ये अभी इन्वेस्टिगेशन की जाए। ब्रेकिंग न्यूज रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक